नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में हम आपको घोड़ों से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आज ज्यादातर घोड़ों में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके फिटनेस को लेकर, उनके पैरों में होने वाली समस्याएं, जो भी रोग आते हैं, मुट्ठा हो, चकावर हो, या जो भी इस प्रकार के रोग हैं, तो नए पशुपालक उन चीजों को एक तो पहचान नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इलाज भी उसका अच्छे तरीके से नहीं करा पाते हैं। मैं इस बारे में वीडियो ज्यादा लेकर इसलिए नहीं आता था क्योंकि इस रोगों की दवा करने के लिए वैद्य जी लोग लोकल मार्केट से आते हैं और वही दवा भी करते हैं। उसमें काफी सारे लोगों में बहुत सारी कमियां भी हैं। कुछ लोग दवा के नाम पे बहुत सारे पैसे भी ऐड कर और चले जाते हैं और घोड़ा जैसे का तैसा आपका वैसा ही रह जाता है। हमारे साथ आज राय जी हैं, इनके साथ वर्षों से हमारा रिश्ता भी है क्योंकि काफी घोड़ों पे इनका काम हमने देखा है और वो चीजें सही होते हुए भी हमने पाई है। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। राय जी, एक बार अपना एक संक्षिप्त में अपना परिचय दें लोगों को कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। हमारा गांव सहजौली है, शाहपुर थाने में। नाम राज नारायण राय है। हाँ, बिहार से। हम इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे, लेकिन उसके पहले चर्चा करेंगे घोड़ों में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज आप किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या वो बीमारियां होती हैं। राय जी, अगर हम पहले बात करते हैं अगले घोड़े के पैरों से, तो इसमें किस किस प्रकार से और उन जगहों को पोजीशन वाइज आप बताएं लोगों को कि कहां कहां से वो रोग और कौन कौन से नाम से वो आते हैं, उनका नाम क्या है, कहां से कौन से रोग आते हैं। गोख में बगली होती है, यहां पर बगली होती है, ठीक। उसके बाद ठेहुन पर जनुआ होता है, अगले पैर में। उसके बाद बजर हड्डी होती है यहाँ पर। तो बजर हड्डी का क्या, केवल यहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर बजर हड्डी होती है। इसमें फर्थी होती है, जो ये नली है उसमें फर्थी होती है। नली में हम देखते हैं कभी कभी रसाव आ जाता है, पानी से मोटा होने लगता है, तो उसका फर्थी कहते हैं। यहाँ पर जो है बीच में मुठा और ठेहुन के बीच में जो आता है उसको बेलहड्डी कहते हैं। उसके बाद इस पर मुठा आता है, अगले गोड़ में इस पर चक्रावल आता है। उसके बाद छाला आता है नीचे खुर में। छाला दो प्रकार का होता है, जो छाला एक ठो गुलगुल होता है, एक ठो पतली होता है। पतली छाला अपने खुर को उठाता है और काला रहता है, और गीला जो छाला है वह मांस बिग देता है, इसलिए गुरु उठ जाता है। उसके लिए पहला नंबर दवा है टोपी क्यू, स्प्रे मारिए। उसके बाद निर्विषी तेल और तोतिया मिलाकर नींबू का रस में उसको एथी कीजिए 15। अब जब मारे गए, चलिए दवाओं का हम थोड़ा सा जिक्र बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि चलिए यहाँ पे मुट्ठा हुआ, तो मुट्ठे का कितना प्रकार है? जैसे हम देखते हैं कभी कभी हल्का फुल्का सूजन आता है, एक ठो पथरी मुठा होता है और एक ठो गीला मुठा होता है। तो पथरी मुठा जो है वो गोड़ को मोट कर देता है, पैर को ज्यादा मोटा बना देता है। जो गीला मुठा है वो गुलगुल रहता है। एक चीज हमें बताइए कि काफी जब हम घोड़ों को दौड़ाते हैं तो उस समय इसकी शुरुआत होती है, धीरे धीरे पैरों में हल्का हल्का मोटापन आता है या कभी दर्द आने लगता है, तो क्या एक अश्वपालक को शुरू में ही उसका इलाज मुट्ठे को मतलब मरवा देना चाहिए? देखिए कैसे उसका इलाज करना उसका चाहिए? इलाज है कि निर्विषी तेल, तरपीन तेल और करू तेल अफीम एक में मिला लीजिए, उसको मालिश कीजिए। एकरा बाद में 20 मिनट के बाद माइकोक्रूम और भीसलिंग दोनों को मिला करके अगर लगाइए 5-6 दिन करने से। अच्छा, ये तो हो गए कि चलिए वो दवा आप लगा देंगे तो वो चीजें सही हो जाएंगी। कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बुज्जी टाइप का निकला रहता है जी, तो उसका वो क्यों आता है घोड़ों में, आखिर वो चीजें आती क्यों है? मलाई के कमी से आता है, मलाई कम होती है। हाँ, मलाई कम हो जाएगी, वो घोड़ा अपना ताव जो है जो मलने वाला है वो अपना खेलने कूदने में फंस जाते हैं, इसलिए उसका बुज्जी आ जाती है। जो फट्टी पे आपने बेलहड्डी की बात की, हाँ, तो बेलहड्डी अंदर और बाहर दोनों तरफ आती है कि केवल अंदर आती है? दोनों तरफ आती है। बजहड्डी भी दोनों तरफ आती है। चलिए, और जो छाला है, तो छाला का हम ये देखते हैं कि छाले पे ये माना जाता है कि घोड़ा बेकार हो गया, तो क्या छाला का इलाज संभव है? देखिए, संभव नया होगा
तो संभव है पुराण हो जाएगा तो वो संभव वह नहीं हो सकता है। अच्छा आइए पिछले पैर पे आगे क्या हमने जान लिया कि आगे में कौन कौन से रोग आते हैं, पीछे के पैरों में क्या क्या होता है, पीछे के पैरों में हम पर मुतड़ा आता है, मुतड़ा ये यहाँ पे यहाँ पर मुतड़ा आता है, उसके बगल में हड्डा आ जाता है, उसी को लोग चपड़ा भी कहते हैं, जो ज्यादा दिन का मुतड़ा हो जाएगा तो चपड़ा या हड्डा कहा जाएगा। शुरुआत में अगर हम बात करें कि कोई भी पशुपालक उन चीजों को समझना चाहे तो उसकी देखरेख कैसे कर सकता है कि वो चीजें ना हो, देख रेख करने हैं कि उसको देखिए हरमेश उजारका स्प्रिट नूरामेंट तेल मालिश होते रहे, हाँ निर्विषी तेल और जरा से फीम का मात्रा से मालिश घोड़ा जाने के आधा घंटा पहले लगा कर ले आइए ले जाइए, रात में उजारा से 10 बूंद लगा करके पट्टी दीजिए, कोई प्रकार का रोग घोड़ा पर नहीं आएगा। हाँ पीछे के पैरों में यहाँ पर आपने बता दिया कि क्या सिम्टम है, अगर यहाँ से नीचे हम आए तो इसमें होने वाले रोगों के बारे में इसमें देखिए यहाँ पर मूठा होता है, इसके बाद पुस्तकी होती है, पुस्तकी में क्या होगा पूरा सूजन से भर जाएगा वो, पुस्तकी दो प्रकार के होती है, एगो दू आंख होती है आए वो फूल गहना के रूप में मोट हो जाता है, जैसा होगा क्या पूरी कलाई मोटी हो जाएगी चारों तरफ। हाँ जी उसके बाद उसमें घोड़ों में क्या परेशानी क्या आती है, पुस्तक परेशानी आती है कि कलाई मोड़ेगा नहीं बाद में टेढ़ हो जाएगा, ऐसे उसका मोड़ टेढ़ हो जाएगा, घोड़ा बेकार हो जाएगा। अगर मुतड़ा और पुस्तकी की हम बात करें तो अगर आप इलाज करते हैं मुतड़ा की और पुस्तकी की जी तो कितना समय लेंगे आप उसको सही करने, कम से कम 15 दिन 15 दिन जी। अगर दवाओं की बात करें, देखिए जो भी चीजें हैं इसमें मिश्रण काफी महत्वपूर्ण है, दवाएं जो भी इनके द्वारा बताई जाएंगी अगर उनका इलाज आप खुद एक एक्सपर्ट की तरह नहीं है तो न करिए, हमारी सलाह यही है, क्योंकि अगर मिश्रण गलत बनाएंगे तो हो सकता है कि घोड़े का जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए किसी जो भी लोग इसके बारे में जानते हो तो उसकी जो मात्रा है 5 ग्राम लेना है 10 ग्राम लेना है तभी उसका पूछ कर और या किसी कोई जानकार हो तभी इलाज करिए, अपने से करेंगे तो काफी सारा नुकसान हो सकता है। आप हमें बताएं मुतड़ा जैसे है तो उसमें आप इलाज में क्या करते हैं, मुतड़ा में यदि शुरुआत मुतड़ा होगा तो उसमें जो निर्विषी तेल है तरपीन तेल है करू तेल एक में मिला दीजिए, जैसे कि डोज के ऊपर है काढ़ा होगा तो तनि ज़्यादा पड़ेगा, गीला है तो कम पड़ेगा, जैसे आदमी को भोज होता है तो बूढ़ में ज़्यादा पूरी मिलता है जवान में कम उसके बाद लड़के में कम, उसी प्रकार से दवा एक ही है लेकिन मात्रा का ध्यान देना है और कब कब लगाना है रोग के ऊपर करना है। तो 15 अच्छा पुराना अगर मुतड़ा काफी पुराना हो जाएगा तो क्या उसमें भी सुधार लाया जा सकता है, हाँ सुधार लाया जा सकता है लेकिन 1-1.5 महीना लग जाएगा, नई चीजें हैं तो उसमें सुधार जल्दी हो सकता है। आपसे हम बात करेंगे छाले की, छाले में हम देखते हैं कि पूरा घोड़ा खत्म हो जाता है, लोग यही मानते हैं कि वो अच्छा नहीं होगा, तो क्या छाले का सिम्टम अगर शुरुआत में हम पकड़ लें तो क्या उसका इलाज संभव है, एकदम संभव है, करीब करीब 1.5 महीना में खत्म हो जाएगा। शुरुआत में अगर कोई भी पशुपालक अपने पैरों का जिस प्रकार से देख रेख करता है तो उसमें कैसे वो पहचान पाएगा कि हमारे घोड़े के पैरों में छाला आना शुरू हुआ है, उसका पहले जो शुरुआत के लक्षण है उनके बारे में कुछ चर्चा करिए दर्शकों। शुरुआत में जब घोड़ा चलेगा तब लगेगा दबने लगेगा पैर से दबने लगेगा, पैर से तो दबना है जैसे कभी कभी पैर नाखून पूरा घिस जाता है तभी भी दबता है, तो उसको जब उसे मोड़ेंगे तो कड़ा होगा पथरी कड़ा होगा या कड़ा हो जाएगा, जो नीचे का हिस्सा जो काफी नरम रहता है मुंह का कोर है जो वो कोर जो मोटा पर फेंकने लगता है, ब्लड भी आता है क्या उसमें, गीला में ब्लड आता है वो नाखून साफ कराया जाता है उसमें ब्लड आने लगता है, वो गीला होता है तो वो आखिर उसका अगर शुरू में इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकता है, एकदम 1.5 महीना में 15 दिन पर दवाई लगेगा और लालबन से नू कोई थी उसको छिलवाया जाएगा, दवाई टोपी की मारिएगा उसमें और लगाइएगा निर्विषी तेल तोतिया और नींबू का रस तो सांप का केचिल चोइटा नहीं लगाएगा छोड़ेगा, 15 दिन के बाद उस चोइटा को साफ कर दीजिए। अच्छा एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो भी आप दर्शक इस वीडियो को देखेंगे तो उसके अनुसार आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, जैसे यूपी बिहार से बाहर भी जा सकते हैं, कहीं चारों ओर जा सकते हैं लेकिन वो आदमी आएगा तो
नहीं तो ऐसे आप यूपी बिहार में उपलब्ध है। हाँ यूपी बिहार में आ जा सकते हैं। हाँ हाँ अगर वो जो हित मित्र है बहुत प्रेम है वही जाएंगे। वही जाएगा उसी का फोन से मैं जा सकते हैं, दूसरे के फोन से नहीं, कोई बुलाएगा तो नहीं जाएगा। एक ही हम देखते हैं कि जैसे घोड़ों में हम दूसरे अगर रोग या सिम्टम की बात करें तो कमरी से काफी लोग परेशान होते हैं, उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। तो कमरी बताइए कि कितने प्रकार की होती है और उसका सिम्टम क्या है, कैसे एक पशुपालक उन चीजों को पहचान कर पाएगा, ये चीजें बताइए। कमरी दो प्रकार की यहाँ पर होती है डांड पर, जन्म है क्योंकि नीम कमरी होती है और फूल कमरी होती है। नीम कमरी की क्या पहचान है, कैसे नीम कमरी का भी पहचान है कि पगहे पर अपना झूलता रहेगा, पीछे ऐसा झूलेगा झूलेगा। नीम कभी कभी हम देखते हैं कि घोड़ा आराम करने के लिए भी वैसे झूलता है ना, तो वो पूरा उहाएगा, पूरा लटक जाएगा, गिरने गिरने हो जाएगा, गिरने गिरने हो जाएगा। और फूल कमरी में जो ये पाछा मुख दूसरा जाएगा तो घोड़ा चूतर भी रूप देते हैं, गिर पर चढ़ने पे भी परेशानी करेगा, गिरने गिरने होने गिरने गिरने होगा। एक चीज बरसात में हम ये देखते हैं कि घोड़ों जब इनका रेस्ट रहता है बरसात में तो बैठे बैठे इनके हाइड्रोसील में सूजन आ जाती है। हाइड्रोसील में जो सूजन आ जाती है उनका इलाज एक बताइए कि जिससे एक पशुपालक उन चीजों को अगर प्रयोग में लाए आपकी बताई गई दवा को तो उस चीज उस रोग से उसको मुक्ति मिल पाए। तो उसको नीम का सूखा हुआ खुरचाई, नीम का जो ऊपर का छिलका है ठीक, उसको कूट कर आटा बना लीजिए, पाउडर बना दीजिए। और गेर और करू तेल, गेर क्या होता है गेर बताएं। गेर लाल होता है, पंसारी की दुकान पंसारी की दुकान पर मिलेगा, तो उसको गर्म कर लीजिए, सिरा जाने के बाद पोता में घोंस लीजिए। आपने बताया कि नीम की जो खोटी ऊपर की परत होती है उस सतह को छुड़ा लिया जाए। हाँ। उसका पाउडर बनाया जाए जी, गेर लाई जाए। हाँ गेर और कड़ू तेल, कड़ू तेल गर्म। मात्रा कितनी रहनी चाहिए? मात्रा मुश्किल से 15-20 ग्राम ले कड़ू तेल, 10 ग्राम गेर मिला लीजिए। और पाउडर कितना बनेगा? पाउडर बना लीजिए और पहले तेल और गेर पाउडर की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? रोज छिड़काया जाएगा उस पर पोते पर। नहीं आप ये बताइए कि मान लीजिए हम 20 ग्राम कड़ू तेल ले लिए, सरसों का तेल जी, गेर ले लिए 10 ग्राम जी, तो पाउडर कितना मात्रा में लें? पाउडर उसमें कम से कम 10-12 ग्राम ले उस पोते में लग जाना चाहिए। तेल पहले तेल को और गेर को मिला लीजिए, एक में घोस दीजिए गर्म करके तब है पाउडर है तरी उसको। अच्छा ऊपर से उसको छीट देना है, छीट देना है। हाँ जो मुंह के काम है वो गेर का है और सरसों तेल का है। हाँ सरसों तेल 20 ग्राम तो गेर 10 ग्राम, 10 ग्राम उसके आधे रखना है मात्रा। हाँ। और उसके बाद उसमें घोस लगाकर और फिर पाउडर को छिड़क देना है। उसके बाद शाम को मुलायम कपड़े से, सूती कपड़े से उसको पोता को पोंछ दीजिए और फिर गर्म तेल गुनगुना रहना चाहिए। हाँ, गुनगुना करके उस पर लगाइए जो कि पोता पर सहा। उसके बाद वो चीजें कितने हाँ, दिनों में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा? 3-4 दिन में वो कम हो जाएगा, 3-4 दिन। हाँ अगर, और एक चीज हम जानना हाँ, चाहेंगे हाँ, कि हम यहाँ देखते हैं कि जो सूजन शुरुआत में या जब घोड़े काम प्रैक्टिस करते हैं जी, प्रैक्टिस में घोड़ा रहता है जी, तो यहाँ सूजन ना आए या चाहे ये मुट्ठा हमेशा सही रहे हाँ, इनकी मजबूती के लिए एक पशुपालक कौन से चीजों का इस्तेमाल कर सकता है जो रेगुलर यूज में हो? देखिए घोड़ा जाने के पहले आधा घंटा पहले उजार का स्प्रिट, सफेद स्प्रिट जी, सफेद मार्केट में कहीं उपलब्ध है? कहीं उपलब्ध, बड़ बड़ दुकान पर मिलेगा, कम कर सको 500 ग्राम ऊ रहेगा, आधा लीटर 500 ग्राम करू तेल, आधा लीटर करू तेल, 100 ग्राम नूरामेंट हाँ, एक भरी अफीम हाँ, 100 ग्राम निर्विषी तेल एक में मिला लीजिए। निर्विषी तेल को काफी लोग नहीं पहचान पाएंगे, क्या निर्विषी तेल किसको? उस पर उजला पानी नियन होता है, हर मार्केट में मांगने पे मिल जाएगा। हाँ, जो जहाँ उजार का मिलेगा स्प्रिट वहाँ पर भी वो मिल सकता है। और जगहों की तो बात नहीं है, यूपी बिहार में लोग इन नामों से परिचित होंगे, बाहर के लोग भले ही ना परिचित हाँ, तो इन चीजों का कब तक प्रयोग करना चाहिए? आधा घंटा जाने के रे दौड़ाने के आधा घंटा पहले लगा दिया जाए, लगा करके तब ले जाइए फील्ड को। 10 मिनट में एक बार घोड़ा यदि अथी करेगा तो 9 सेकंड में एक बार घूमेगा घोड़ा, उसका मिजाज बना रहेगा। मुट्ठा सब आज मुट्ठे से जो यहाँ पर ये परेशानी आती है हाँ, और यहाँ पर क्या आता है? ये यहाँ कावर है, यहाँ पर
चक्रावल और यहाँ पर मुठ्ठा मुठ्ठा। तो अगर मुठ्ठे के इलाज के लिए आपको कोई अपने यहाँ बुलाता है तो कम से कम कितना समय लगेगा उसको? देखिए जो तटका होगा शुरुआत का होगा तो 15-18 दिन रेस्ट। देखिए मुठ्ठे के इलाज में सबसे जरूरी है रेस्ट, और आप दवा कराएंगे तो ये मानकर चलिए कि आपका घोड़ा करीब करीब 3-4 महीने बैठेगा, ये एकदम कंफर्म है। उससे पहले अगर उसको आप इलाज में या प्रैक्टिस के दौरान लेते हैं तो फिर से उसके में इंजरी आ जाएगी, ये चीजें हैं। और उसके नीचे जो चकावर है उसका इलाज कितने दिनों में करेंगे? उसका इलाज कम से कम 3 बार 15 दिन पर छिलवाया जाएगा ललबन से, जो चोटा छोड़ता है उसको। नहीं नहीं ये चकावर ये तो जो चक्रावल है वह कम से कम भी महीना दिन लग जाएगा। महीना दिन जी आप उसके नीचे चले गए थे चकावर का हमने पूछा। हाँ ये हमारे राय जी थे बिहार से, और कई बार इनसे इलाज हमने खुद भी कराया है और संतुष्टि भी पाई है, खास करके जिन चीजों में भी हमने इनको बुलाया है। तो भरोसा आपका है, अगर भरोसा है तो इनको आप अपने यहाँ बुलाइए, इनसे संपर्क करिए, इनका नंबर हम वीडियो में देंगे। आयुर्वेद की तरह हमने राय जी से आपका परिचय कराया, एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें एक एलोपैथ के डॉक्टर होंगे और जो भी एलोपैथ के बारे में वो जानते हैं या क्या क्या इलाज आज हो सकता है, स्पेशली वो हॉर्स के ही डॉक्टर हैं, तो हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। हाँ। राय जी आयुर्वेद की तरह थे, और मैं मानता हूं कि आयुर्वेद ही ज्यादा सक्सेस है आज भी घोड़ों पर, क्योंकि फॉरेन कंट्रियों में हम तो ये देखते हैं कि जहां एलोपैथ की दवाओं से भी घोड़ों का इलाज किया जाता है, लेकिन अभी भारत देश उतना विकसित इन चीजों में नहीं है, तो आयुर्वेद की चीजें ही हमारी तरफ उपलब्ध हैं और इसी पर हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो राय जी अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है इस वीडियो के माध्यम से जी, तो उसकी मदद आप जरूर करें जरूर, और फोन से जो भी कहेगा तो रोग बतला देंगे। हाँ बिल्कुल, वो जो भी परेशानी हो तो उनकी आप बतला देंगे, यकीन करके दवा कीजिए, अनाथ हमको आकर लिया चलिए। मेले में ये मिलते हैं, ददरी हो या ब्रह्मपुर हो या जो भी हमारे आसपास सोनपुर का मेला हो तो यहाँ जाते रहते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।